उदयपुर के नाथद्वारा में खेखरा पर गौ क्रीड़ा कार्यक्रम में आक्रामक हुई गाय ने युवक को अपना निशाना बनाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आक्रामक हुई गाय युवक को पटक पटक कर मारती हुई नजर आई है। हालांकि मौके पर मौजूद कुछ युवाओं और पुलिस ने युवक को गाय से कड़ी मशक्कत के बाद अलग किया, लेकिन ये वीडियो आप देख सकते हैं किस तरह से ये गाय इस युवक को मारती हुई नजर आ रही। हालांकि बहुत बचाने की कोशिश आसपास खड़े युवकों ने की, लेकिन बहुत देर तक इस युवक को अपने शिकंजे में लेकर रखा इस गाय ने। वहां मौजूद युवकों और पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद बचाया इस युवक। गौ क्रीड़ा कार्यक्रम चल रहा था, इसी दौरान ये गाय किस तरह से आक्रामक हुई और नजर इसके इस युवक पर, जब इस युवक को उसने दबोचा पैरों से सींग से इस पर लगातार वार करती रही। हालांकि वहां पर मौजूद युवकों ने उसे बचाने की कोशिश की और बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस और युवकों ने इस गाय से इस युवक को बचाया। तस्वीर आप देख सकते हैं कैसे अचानक एक युवक पर नजर इस गाय की पड़ी। गौ क्रीड़ा चल रही थी, जिस तरह से एक परंपरा भी है और देखने को मिलता है गोवर्धन पूजा के दिन ये गौ क्रीड़ा की जाती है, लेकिन इसी दौरान जब गौ क्रीड़ा चल रही थी तब एक गाय की नजर इस युवक पर पड़ी और उसने किस तरह से रौंद दिया इस युवक को। हालांकि वहां मौजूद युवक और पुलिस लगातार कोशिश करते रहे, मशक्कत करते रहे उसे युवक को उस गाय से छुड़ाने को लेकर, और बड़ी मशक्कत के बाद उसे अलग किया जा सका। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, सींग पे फंसा कर युवक को ने पैरों के नीचे लाई और इसके बाद लगातार इस पर वार करती रही ये गाय, रौंदती रही इसे, किस तरह से पटक पटक कर इस युवक को मारा इस गाय ने, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो वहां मौजूद लोग थे, जो ग्वाले थे, जो ये गौ क्रीड़ा कर रहे थे, वो लाठियों के जरिए कोशिश कर रहे थे कि इसे छुड़ाया जाए, बड़ी मशक्कत के बाद कामयाब हो सके और इस युवक को छुड़ाया जा सका।